हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। लास्ट में जितने भी हमने स्टूडेंट्स आपको वीडियोस दिए हैं, जितने भी हमने रिव्यूज बनाए थे, उसके बेसिस में हमने आपको एक परसेंटाइल का एनालिसिस दिया था। तो ये कोई एक्यूरेट डेटा नहीं होता स्टूडेंट्स, बस एक रिव्यू था जो कि स्टूडेंट्स ने हमें फीडबैक दिया था और उसके अकॉर्डिंग हमने एक रिव्यू आपको बनाया था। तो आज हम स्टूडेंट्स डिस्कशन करने वाले हैं कि लास्ट वीडियो में हमने आपको NITs में जितनी भी ब्रांचेज हैं अपार्ट फ्रॉम CSIT, EEE, मैकेनिकल, सिविल, बायोटेक, प्रोडक्शन, ऐसी जितनी भी मेटलर्जी, केमिकल, ये जितनी भी ब्रांचेज हैं आपकी कोर ब्रांचेज एंड आपकी रेयर ब्रांचेज अपार्ट फ्रॉम CSIT, हमने उसका आपको NITs का एक रैंक ऑफ वेरिएशन आपको स्टूडेंट्स दिया था। और उस रैंक के वेरिएशन को हमने लास्ट ईयर्स के रिकॉर्ड के एनालिसिस को देखते हुए हमने उस वीडियो को आपको डिलीवर किया था और हमने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली आपको ऑफिशियल डेटा के साथ हमने आपको वो इन्फॉर्मेशन दिया था स्टूडेंट्स। तो आज का स्टूडेंट्स हमारा वीडियो है CS ब्रांच के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स ने क्वेरी की थी हमारे लास्ट वीडियोस में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि हमें मैम CS के लिए बताइए कि कौन सी NITs में CS मिल पाएंगी और उसमें मार्क्स हमारे क्या आने चाहिए। तो आज हमारा स्टूडेंट्स वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉरवर्ड कीजिएगा एंड हमारे YouTube चैनल द मेंटा को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो CS ब्रांच के लिए इंटरेस्टेड है NITs में एडमिशन के लिए, तो उनके मार्क्स के क्या कट ऑफ होने चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बता दूं स्टूडेंट्स, जितने भी हमने रैंक का हमने वेरिएशन आपको मेंशन किया है वो लास्ट ईयर का ऑफिशियल डेटा को हमने मेंशन किया है। तो उसमें भी कोई भी ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो कि आपको डाउट करना पड़े। लेकिन हाँ, हमने जो एक्सपेक्टेड आपको मार्क्स बताने वाली हूँ मैं जो आपको, कि भाई ये एक्सपेक्टेड मार्क्स रहेंगे। तो ये हमारा लास्ट ईयर्स के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमने ये एक्सपेक्टेड मार्क्स आपको मैं बताने वाली हूँ। तो थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, पर हाँ थोड़ा सा मार्क्स का वेरिएशन बिल्कुल रहेगा। पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा, मार्च का आपका जो अटेम्प्ट रहेगा, आपका अप्रैल का जो अटेम्प्ट रहेगा, तो उसमें आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको लगना चाहिए कि स्टूडेंट्स आपका जो फरवरी का अटेम्प्ट था उसमें आपके मार्क्स कहीं ना कहीं कम रह गए हैं और अब आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट थोड़ा सा टफर रहने वाला है। फरवरी अटेम्प्ट जिन्हों ने भी दिया था, फरवरी अटेम्प्ट जिन बच्चों ने भी अटेम्प्ट किया था, ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उन बच्चों के लिए। अब ये जितना भी आप आगे के सेशंस में एग्जाम देंगे ये टफर से टफर होता जाएगा, क्योंकि परसेंटाइल का आपको भी पता है कि परसेंटाइल हर शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपका परसेंटाइल एनालिसिस होता है। जितने भी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं उस शिफ्ट के एग्जाम को, उसके अकॉर्डिंग आपका ये परसेंटाइल का एनालिसिस होता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना स्टूडेंट्स। पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, जितने भी NITs का हम डिस्कशन करेंगे उसका आपका लास्ट ईयर्स में जो आपका रैंक का एनालिसिस है उसका हम पहले बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर में आपका जो NIT भोपाल है स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर के रिकॉर्ड के हिसाब से आपका जो जनरल कैटेगरी में है 6672 क्लोजिंग रैंक रहा था। जो लास्ट तक बच्चा जो एडमिशन जिसने लिया है CS ब्रांच में NIT भोपाल में, उसकी 6672 रैंक रही थी स्टूडेंट्स। एंड जो EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनकी 7474 रैंक रही थी स्टूडेंट्स। अगर हम मार्क्स की बात करें, अगर NIT भोपाल में स्टूडेंट्स एडमिशन आप लेना चाहते हैं 2020 में, तो आपके मार्क्स लमसम स्टूडेंट्स आपके मार्क्स 230 से 240 के बीच में होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन जो हम कर रहे हैं आज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जितने भी अटेम्प्ट्स आप देंगे, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप उस अटेम्प्ट को और इम्प्रूव कर पाएंगे और ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे, अगर आप CS ब्रांच में पढ़ना चाहते हैं इन टॉप NITs में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स NIT जयपुर। NIT जयपुर में आपका लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में 3877 लास्ट रैंक कर स्टूडेंट CS ब्रांच में स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं एंड EWS में 4747 में स्टडी कर रहे हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं जो आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स होना चाहिए स्टूडेंट, आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स होना चाहिए NIT जयपुर में एडमिशन लेने के लिए, तो आपका 260 से 265 के बीच में आपके नंबर आने चाहिए। अगर आपके 260 ऊपर नंबर हैं तो आप CS ब्रांच को अटेम्प्ट कर सकते, CS ब्रांच आप ले सकते हैं NIT जयपुर में काउंसलिंग के दौरान। काउंसलिंग्स में स्टूडेंट्स आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप हमारे यूट्यूब चैनल को आराम से देख सकते हैं और अपनी काउंसलिंग्स पूरी कर सकते हैं अटेम्प्ट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होगी। NIT अगरतला की हम लोग बात करें तो 20,000 तक NIT अगरतला जनरल कैटेगरी में अलॉट हुई है CS ब्रांच,
और आपकी EWS में 22,000 तक अलॉट हुई है CS ब्रांच एंड 26,000 तक एंड OBC कैटेगरी में अलॉटमेंट हुई है लास्ट ईयर में NIT अगरतला में। तो मार्क्स की हम लोग बात करें तो 185 से 195 मार्क्स आने जरूरी है। इतने इस बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप 2021 में एडमिशन ले पाएंगे स्टूडेंट्स। NIT कैलिकट में हम लोग बात करें तो 3,742 आपका लास्ट रैंक रहा है CS में एडमिशन लेने के लिए। तो लमसम मार्क्स स्टूडेंट्स जो आपके होने चाहिए 265 प्लस मार्क्स होने चाहिए, 265 प्लस मार्क्स होने चाहिए NIT कैलिकट में CS ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स। NIT दिल्ली की बात करें तो 8,726 लास्ट रैंक का स्टूडेंट है ये, और इसकी मार्क्स आपको जो इस साल आपको आने चाहिए 235 प्लस आपके 2021 में मार्क्स अटेम्प्ट होने चाहिए, और 235 प्लस मार्क्स हैं तो आप NIT दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूट में CS ब्रांच को ऑप्ट कर सकते हैं काउंसलिंग्स के दौरान। NIT दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में ये कैंपस है, और इसकी हम लोग बात करेंगे तो आपका 8,571 में लास्ट एडमिशन हुआ है ये, एंड EWS कैटेगरी में 13,000 तक ये रैंक आपकी गई है एंड OBC में 9,384 तक ये रैंक आपकी गई है। तो अगर हम मार्क्स की बात करें स्टूडेंट्स तो 240 से 245 240 प्लस नंबर आपको स्टूडेंट्स चाहिए अगर आपको NIT दुर्गापुर में एडमिशन लेना है तो। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स बात करें आपकी NIT गोवा। NIT गोवा में आपका लास्ट ईयर जो 11,864 तक लास्ट एडमिशन हुआ है CS ब्रांच में जनरल कैटेगरी में स्टूडेंट्स। अगर हम EWS की बात करें तो 13,383 पे लास्ट एडमिशन हुआ है स्टूडेंट्स आपका EWS कैटेगरी में। और अगर मार्क्स की हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं NIT गोवा में CS ब्रांच में, तो आपके मार्क्स स्टूडेंट्स लमसम होने चाहिए 185 से 195 के बीच में स्टूडेंट्स। इतने मार्क्स अगर आपके आते हैं इस अटेम्प्ट में तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको NIT गोवा जैसे इंस्टीट्यूट में CS ब्रांच अलॉट हो जाएगी काउंसलिंग्स में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करें NIT हमीरपुर। NIT हमीरपुर में आपके 9,986 मार्क्स 86 रैंक तक अलॉटमेंट हुई है जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर, एंड EWS में 12,225 में लास्ट एडमिशन हुआ है स्टूडेंट एंड 16,256 में OBC कैटेगरी में लास्ट एडमिशन हुआ है स्टूडेंट। ये OBC, EWS सारे CRL रैंक्स हैं स्टूडेंट्स, ये हम जो बात कर रहे हैं CRL रैंक पे बात कर रहे हैं, और कैटेगरी मैंने आपको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दी है। मार्क्स की हम लोग बात करेंगे तो 200 प्लस नंबर चाहिए स्टूडेंट्स, 200 प्लस नंबर चाहिए NIT हमीरपुर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच को ऑप्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं NIT मेघालय। इसमें लास्ट एडमिशन स्टूडेंट 22,914 रैंक तक इसमें अलॉटमेंट हुई है स्टूडेंट्स, एंड इसमें मार्क्स की बात करें तो इसमें 170 से 175 मार्क्स के अंदर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको NIT मेघालय तक का इंस्टीट्यूट में CS ब्रांच आपको आराम से अलॉट हो जाएगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करें NIT नागालैंड। NIT नागालैंड में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट लास्ट ईयर जो आपकी रैंक गई है वो 37,765 तक इसमें CS ब्रांच अलॉट हुई है जनरल कैटेगरी में, एंड 44,843 आपकी EWS कैटेगरी में अलॉटमेंट हुई है, एंड OBC की बात करें तो 46,000 तक ये अलॉटमेंट गई है। एंड अगर मार्क्स की हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, 150 से 160 मार्क्स तक आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे JEE मेंस में आपका। अगर जो इस अटेम्प्ट में अगर आपके मार्क्स कम रह गए हैं स्टूडेंट्स और आप CS नहीं ले पा रहे हैं NIT नागालैंड में भी कंप्यूटर साइंस में, तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा प्रयास करने की प्लीज़ कोशिश करिएगा, वरना आपको CS ब्रांच अलॉट नहीं हो पाएगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रैंक तक हमें CS मिलती हुई दिख रही है नागालैंड जैसे इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट हम लोग बात करें NIT पटना की। NIT पटना की बात करें तो लास्ट ईयर में आपको 15,336 तक जनरल कैटेगरी में CS ब्रांच अलॉट हुई है स्टूडेंट्स। मार्क्स की हम लोग बात करें तो 190 से 200 के बीच में आपके मार्क्स आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके 190 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप NIT पटना में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच काउंसलिंग के दौरान। अच्छा, NIT की अगर स्टूडेंट्स बात करें तो नेक्स्ट NIT आपका आता है NIT सिक्किम। NIT सिक्किम में जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक गई है CS ब्रांच के लिए स्टूडेंट्स, 27,800 पे लास्ट एडमिशन हुआ है CS ब्रांच में। और मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो NIT सिक्किम में CS ब्रांच के लिए आपके जो एक्सपेक्टेड मार्क्स होने चाहिए वो 180 से 185 के बीच में आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स आने चाहिए स्टूडेंट्स। अगर आपके 180 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप NIT सिक्किम में CS ब्रांच को काउंसलिंग्स के दौरान अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ज़रूर अलॉटमेंट हो सकती है CS ब्रांच में, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करें अरुणाचल प्रदेश। NIT अरुणाचल प्रदेश में जो लास्ट ईयर एडमिशन हुआ है 36,800 में लास्ट ईयर में लास्ट CS ब्रांच के लिए एडमिशन इसमें
क्लोजिंग रैंक गई है और ओबीसी कैटेगरी में 42,200 तक लास्ट इसमें क्लोजिंग रैंक गई है। तो इसमें मार्क्स की अगर हम लोग बात करें, जो एक्सपेक्टेड मार्क्स आपके आने चाहिए वो 155 से 160 प्लस, आपके 155 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे, सीएस ब्रांच में अरुणाचल प्रदेश में एडमिशन ले पाएंगे स्टूडेंट्स। 155 प्लस में ही आप एडमिशन ले सकते हैं। एनआईटी जमशेदपुर में लास्ट ईयर आपका 9,132 पे लास्ट एडमिशन हुआ है, ईडब्ल्यूएस पे 10,000 पे एडमिशन हुआ। अगर हम एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करें एनआईटी जमशेदपुर में, तो 230 से 240 प्लस आपके मार्क्स आने चाहिए। तो ये जो मैं मार्क्स बता रही हूँ स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसमें नहीं देखने को मिलेगा, आप इसमें पूरा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये लास्ट ईयर के रिकॉर्ड के एनालिसिस को पूरा करने के बाद ही हम आपको ये डेटा डिलीवर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखें एनआईटी मणिपुर, एनआईटी मणिपुर में लास्ट ईयर 32,400 पे लास्ट एडमिशन मिला है सीएस ब्रांच में, एंड 42,000 में ओबीसी कैटेगरी में लास्ट एडमिशन मिला है स्टूडेंट्स। तो अगर मार्क्स की हम लोग बात करें तो 170 से 180 के बीच में आपके मार्क्स आते हैं स्टूडेंट्स, तो आप एनआईटी मणिपुर में सीएस ब्रांच आपको अलॉटमेंट हो सकती है। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये डेटा हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करें एनआईटी मिजोरम, एनआईटी मिजोरम में लास्ट ईयर 37,000 पे क्लोजिंग गई है सीएस ब्रांच के लिए, एंड 68,000 पे ओबीसी कैटेगरी में क्लोजिंग गई है स्टूडेंट्स। एक्सपेक्टेड मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो 150 से 160 के बीच में अगर आपके मार्क्स स्टूडेंट्स आते हैं, 150 से 160 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं जेईई मेंस में, तो आप मिजोरम में एडमिशन ले पाएंगे सीएस ब्रांच के लिए। एनआईटी राउरकेला की हम लोग बात करें, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है एनआईआरएफ, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था स्टूडेंट, जो मेरी लास्ट वीडियो थी अगर आपने देखी होगी स्टूडेंट्स, तो मैंने एनआईटीज का आपको अदर ब्रांचेस के लिए वीडियो आपको बताया था, पूरा रैंक का वेरिएशन मैंने आपको बताया था। तो उसमें आपके जितने भी मैंने एनआईटीज का डिस्कशन किया था टॉप एनआईटीज का, तो लास्ट रैंक तक जितना भी आपका मैक्सिमम आपको रेंज का वेरिएशन मैं आपको दे सकती थी मैंने आपको बताया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी काउंसलिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें राउरकेला में, तो 3,528 पे लास्ट क्लोजिंग रैंक गई है, ओबीसी कैटेगरी में 5,415 पे क्लोजिंग रैंक गई है, एंड मार्क्स की हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, 265 प्लस मार्क्स आपको चाहिए एनआईटी राउरकेला में सीएस ब्रांच को ऑप्ट करने के लिए स्टूडेंट्स, 265 प्लस मार्क्स चाहिए। एनआईटी श्रीनगर में हम लोग देखते हैं 25,450 पे क्लोजिंग रैंक गई है जनरल कैटेगरी के लिए, 27,000 आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में गई है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखें 34,700 पे आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए स्टूडेंट्स क्लोजिंग रैंक गई है। तो आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स की अगर हम लोग देखें डिस्कशन करें, तो 170 से 170 प्लस मार्क्स में आपको स्टूडेंट्स इसमें एनआईटी श्रीनगर में सीएस ब्रांच मिलने के चांसेस हैं। अगर हम लास्ट ईयर के क्लोजिंग रैंक का जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको एक्सपेक्टेड का ये मार्क्स का वेरिएशन मैं आपको बता रही हूँ, तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं इस बीच में, तो आप एनआईटी श्रीनगर में कंप्यूटर साइंस को ले सकते हैं, आपको हेल्प होगी। एनआईटी उत्तराखंड में अगर हम बात करें, तो 15,900 में लास्ट स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है सीएस में लास्ट ईयर में। तो अगर हम मार्क्स की बात करें, ओबीसी में 25,000 लास्ट गई है, अगर हम मार्क्स की बात करें स्टूडेंट्स, 190 से 200 के बीच में आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, 190 से 200 के बीच में अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है एनआईटी उत्तराखंड में, तो आपको इतने मार्क्स का वेरिएशन आना पड़ेगा। एनआईटी सूरत में अगर हम लोग देखते हैं, तो 5,600 क्लोजिंग रैंक गई है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। ओबीसी कैटेगरी में स्टूडेंट्स हम लोग देखें, तो ओबीसी कैटेगरी में 11,900 तक लास्ट क्लोजिंग रैंक गई है, और हम रैंक वेरिएशन की अगर हम मार्क्स एक्सपेक्टेड की बात करें, तो 240 से 245 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको इसमें एडमिशन मिलने का पूरा चांस है एनआईटी सूरत में। नेक्स्ट हम देखें एनआईटी नागपुर, एनआईटी नागपुर में लास्ट ईयर स्टूडेंट्स 5,041 में जनरल कैटेगरी में लास्ट सीएस ब्रांच अलॉट होती दिख रही है हमें, एंड ओबीसी कैटेगरी में 9,081 पे लास्ट क्लोजिंग रैंक गई है। और मार्क्स की हम लोग बात करें, तो 245 से 250 प्लस मार्क्स, 245 से 250 तक का अगर हमें मार्क्स लाते हैं हम, तो हमें इसमें सीएस ब्रांच अलॉट हो सकती है एनआईटी नागपुर में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखें आईआईएसटी शिवपुर में, आईआईएसटी लास्ट ईयर एनआईटीज में जुड़ चुका है, तो ये आपको बात पता होगी, नहीं पता है तो आप बता देते हैं। इसमें हम देखें लास्ट ईयर में क्लोजिंग रैंक जो आपकी गई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 15,000 तक गई है, ओपन कैटेगरी का इसमें मेंशन नहीं किया है, तो लमसम इसमें ओपन कैटेगरी में 20,000 के आसपास
15,000 इसमें लमसम 16,000-17,000 तक इसमें अलॉटमेंट हुई है। नंबर की अगर मार्क्स की बात करें एक्सपेक्ट, तो 195 से 200 के बीच में आपके मार्क्स आना ज़रूरी है। अगर आपके 195 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आई होप, वी होप कि आपको इसमें CS ब्रांच अलॉट हो सकती है। 200 तक मार्क्स में आपको इसमें CS ब्रांच अलॉटमेंट हो सकती है। तो ये हमारा स्टूडेंट्स पूरा इन्फॉर्मेशन जो था, ये लास्ट ईयर के क्लोजिंग रैंक्स एंड उस रैंक पे क्या मार्क्स रहे थे एंड उस इस शिफ्ट में कैसी परसेंटाइल बन रही, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको ही पता है कि हर शिफ्ट का जो भी परसेंटाइल होता है वो उसी नंबर पे दूसरे शिफ्ट पे दूसरा बन जाता है, क्योंकि हम क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड जो टफनेस ऑफ शिफ्ट का एग्जाम जो होते हैं उसके बेसिस में आपका परसेंटाइल में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता ही है। तो हम ये जो रैंकिंग्स पे बात कर रहे हैं इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिया हुआ है मार्क्स पे, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इस वेरिएशन के चलते अगर आप देखते हैं, अगर आप इसमें इस वेरिएशन को अच्छे से देखते हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर मार्क्स लेके आते हैं, अगर आपके नहीं आ रहे हैं इस अटेम्प्ट में रिजल्ट, क्योंकि आपका आ चुका है और रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि आपके क्या परसेंटाइल क्या। इस मार्क्स के रेंज में आप इसमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच को ऑप्ट करना है। तो अभी भी कोई डाउट्स रह गए हैं कंप्यूटर साइंस कैसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगी, तो आप हमारे ऐसे ही YouTube पे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। हमारे जितने भी हेल्प हो सकती है हम YouTube के माध्यम से आपको काउंसलिंग के सारे वीडियोज हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे, और आप आराम से उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से हमारी काउंसलिंग्स की वीडियोस देख के अपनी काउंसलिंग्स को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।